कहते हैं फ़कअन्नी मा कुल्तु वल्लैलु तिफ्लुन व शबाबु ज़ल्मा फ़ी उन्फ़वानी, गोया के मैं ये नहीं कहता कि रात जो है बच्चा है, रात इस हाल में है कि वो बच्चा है, और शबाबु ज़ल्मा तारीकी की जवानी जो है, फ़ी उन्फ़वानी, उन फवाने शबाब कहते हैं जवानी का जो उठान वाली उम्र रहती है ना, बिल्कुल जिसको नौजवानी कहते हैं, तो जवानी की जवान उम्र, उर्दू में उसको कहेंगे नौजवानी। शबाब का माना ही होता है जवानी, शबाबु ज़ल्माई तारीकी की जवानी, फ़ी उन फवानी उठान पर है, यानी अभी बिल्कुल बढ़ने ही वाली है तारीकी। शुरू शुरू में जब रात आती है ना, तो चांद जो है ना वो जैसे 20 तारीख़ है रात की महीने की, तो आप देखेंगे कि शुरू में जैसी रात आती है ना तो बहुत अंधेरा होता है, यानी रात बच्चा रहता है, यानी रात बच्चा रहने से मतलब अभी उसको आए चंद ही दिन, चंद ही मिनट या चंद सात होती है, एक दो घंटा हुआ रहता है, तो उसकी जो तारीकी है ना बहुत शबाब पर रहती है, बहुत उठान पर रहती है। तो सियाह रात की तफसीर जो है बयान करते हुए शायर कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि रात बच्चा है, हालांकि तारीकी की जवानी उठान पर है, शबाबु ज़ल्माई फ़ी उन्फ़वानी, तारीकी की जवानी उन्फ़वान में है, यानी उठान में है। लैलती हादही, मेरी ये जो रात है, अरूसुन दुल्हन है, मिनस जंजी, जंजी जो है हबश, जंज जो है वो काले लोगों को कहा जाता है, अरूसुम मिनस जंजी हबशी की दुल्हन है, अलैहा जिस दुल्हन पर, कलाइदु मिन जुमानी, कलाइद जो है हार को कहा जाता है, और जुमान जो है ना ये चांदी के गोल गोल बने हुए दाने रहते हैं, मोती की तरह जो है बने हुए गोल गोल दाने होते हैं, पिघला करके देखते होंगे वो बच्चों के हाथ में भी पहनाते हैं बाज लोग, धागे में ऐसा गोल जैसा चमकदार, वो दो धागे को जहाँ ज्वाइंट मारते हैं वहाँ पे चांदी का वरक जो है पिघला करके डाल देते हैं, तो वो गोल गोल होता है। तो कहते हैं कि मेरी ये रात ऐसी है कि जिसे हबशी औरत है जिस पर जो है चांदी के हार पड़े हुए हैं। क्या मतलब? मतलब रात बहुत इतनी तारीख है और उसमें जो सितारे नज़र आ रहे हैं ना, तो सितारे देख कर कैसे लगते हैं कि जैसे कोई काली हबशी औरत है और उसके गले में चांदी का हार लटका हुआ है। समझ के बात को। तो यहाँ पे रात को तशबीह दी गई है किस चीज़ से? दुल्हन से। हाँ, और इसमें गौर कर लीजिए वजह, हाँ हबशी की दुल्हन से, नहीं काली और काली औरत से। तो यहाँ देख लीजिएगा वजह भी मौजूद है क्या नहीं है, हर पे तशबीह मौजूद है क्या नहीं है, ये देख करके जो है वो बताइएगा किस किस्म से इसका ताल्लुक़ है। उसके बाद है हरबन नौमु अनजफूनी फ़ीहा, या हरबुन नौमी अनजफूनी फ़ीहा हरबुल अमनी अनफुआदिल जबानी। हरबुन नौम हरब यानी भागना, नौम यानी नींद, हरबुन नौम नींद का भागना, अनजफूनी मेरी पलकों से, अलजफ़न की जमा जफून, मेरी पलकों से नींद का भागना, फ़ीहा इस रात में, इस रात में मेरी पलकों से नींद का भागना, यानी सियाह काली रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मेरे पलकों से जो नींद का भागना है उसकी तशबीह दे रहा शायर। हरबल अमनी, ये हरब जो है ना मस्दर है और इससे पहले काफ पोशिदा मनसूब बनज़े खाफिज, मानो का हरबिन अमनी अनफ आदिल जबान, जैसे सुकून भागता है, सुकून के भागने की तरह, अनफ आदिल जबानी बुजदिल के फुआद ने कलेजा दिल, बुजदिल के कलेजे से सुकून के भागने की तरह इस रात में मेरी पलकों से नींद क्या हो गई है, बोलिए, भाग गई। हाँ, यानी बुजदिल आदमी को आप जो है ना क्या करो कि बिल्कुल अंधेरे रास्ते पर बोलो कि अरे वो देखो थोड़ा सा दूर पे जाके जो है ना वो एक सामान रखा उसको उठा के लेके आओ, और रास्ता अंधेरा हो खेत में उसको डाल दो आप कि वहाँ पे फावड़ा है ना रात के आलम में उठा के लेके आओ, अब वो जब लाने जाएगा
तो वहां से उठाकर लाने तक उसकी क्या हालत रहती है? सुकून रहता है क्या उसके दिल में? बेचैनी की कैफियत रहती है ना, उसको लगेगा अरे इधर से सांप ना आ जाए, उधर से वो ना आ जाए, मुझे भूत ना पकड़ ले, मैं गिर ना जाऊँ, तरह तरह के ख्यालात और वसवसे का शिकार रहता है वो। तो ऐसे ही कहते हैं कि जैसे बुज़दिल के दिल से जो है ना इत्मीनान भागा हुआ रहता है, उसी तरह से मेरी आँखों से नींद गायब हो चुकी है। बोलिए रकीबुद सवार होना, तो वो लोग सवार थे अदया जिया स्याही पर, रकीबुद दया जिया वो लोग तारीकी पर सवार थे। क्या मतलब? बिल्कुल काले काले घोड़े थे। तो यहाँ पे रकीबुल फुरुसा कद दया जी ये है कि वो लोग ऐसे घोड़ों पर सवार थे जो घोड़े किधर कैसे थे? बोलिए भाई, काले थे। हाँ काले घोड़े थे, स्याही थे, स्याही के मिस्र घोड़ों पर सवार थे। वह सुरूजु अहिल्लतुन, और उसकी जो जीन थी बिल्कुल वाइट कलर की जीन थी, सीट बेल्ट जिसको बोलते हैं घोड़े पर जो जिसमें मतलब बैठने के लिए जो बैठक बनाते हैं ना दोनों तरफ लटका करके चमड़े की रहती है, सीट बेल्ट ही उसको बोल सकते हैं, सीट जो उसके ऊपर बनाते हैं और नीचे पैर अटकाने का रहता है उसको सुरूज कहा जाता है। वह सुरूजु अहिल्लतुन, और उसकी जो जीन है वो चांद की तरह थी, यानी जैसे काली काली रात में हल्का हल्का चांद चमकता रहता है, ऐसी काले काले घोड़े थे उसमें वाइट कलर की जो है जीन लगी हुई थी। वहुम बुदूरुन, और लोग जो थे लोग यानी उस पर जो सवार लोग थे वो चांद थे, बद्र थे, चौदहवीं रात के चमकते चांद को कहा जाता है अलबद्र। तो लोग जो उस पर सवार थे वो बद्र थे। वल असिन्नतु अंजुमु, असिन्ना सिनान की जमा, और सिनान का माना जरा हाथ सिनान लहल तियामु वला यल्ताम मा जरहल लिसान, पढ़े हैं सुला उसमें शरह जामी में। ये जख्म किसके जख्म? नेजे के जख्म। सिनान का माना जख्म, तो उसकी जमा है असिन्ना, और नेजे जो है वो सितारों की तरह थे। तो गोया के एक सीन जो है शायर ने पेश कर दिया कि बिल्कुल काले काले घोड़े थे, उस पर वाइट कलर की जीन लगी थी, नेजे चमक रहे थे, और उस पर जो लोग सवार थे बिल्कुल खूबसूरत चांद की तरह थे। तो यहाँ पे कई तशबीह है, घोड़े को तशबीह दी स्याही से, सुरूज को तशबीह दी चांद से, इंसान को तशबीह दी चौदहवीं रात के चांद से, और सिनान नेजे को तशबीह किस चीज़ से दे रहे हैं? बोलिए, सितारों से दे रहे हैं। तो इस तरह से अच्छा हरफे तशबी और वजह शिव कहीं मस्कूर नहीं है, तो सब किसकी मिसाल बन जाएगी? तशबीह बलीग की मिसाल बन जाएगी। उसके बाद है सुल्ला सैफुल फजरी मिन गमदिद दुजा व तअर्रर लैलु मिन सौबिल गलसी काला इब्न वकी। अच्छा एक जो खींचना होता है ना वो जैसे रस्सी को खींचते हैं, और एक खींचना होता है वो जैसे तलवार को खींच लेते हैं। तो यहाँ खींचना से मतलब रस्सी वाला खींचना नहीं बल्कि हमला करने के लिए तलवार जो वहाँ से म्यान से यूं सर करके निकाल लेते हैं, कमर के नीचे म्यान में तलवार रहती है और यूं ऐसे जो खींचते हैं ना तो वो म्यान से जैसे तलवार निकलती है। तो यहाँ तस्वीर देखिए क्या दे रहे हैं, कहते हैं सुल्ला सैफुल फज्र, सुबह की तलवार खींच ली गई, फज्र की तलवार खींच ली गई, मिन गमद तलफ़ देख लीजिएगा सलासे मुजरद का, मिन गमदिद दुजा, मैं फतेह के साथ ये पढ़ रहा हूँ, दुजा तारीकी, तारीकी के वो जिसमें तलवार रखी रहती है उसको म्यान बोलते हैं, उसी को अरबी में गमद बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती और एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते। तो कहते हैं कि सुल्ला मजहूल का सेवा, सुल्ला खींच ली गई, सैफुद्दुजा सैफुल फजरी फजर की तलवार, बिन गमदिद दुजा तारिकी के मियान, तारिकी की मियान से, जैसे तलवार खींचते हैं वो अंधेरे में तलवार रहती है खींचते हैं तलवार रोशन हो जाती है, ऐसे ही वक्ते फजर जो है वो तारिकी से निकल करके बिल्कुल ज़ाहिर हो गया।
وَتَعَرَّ اللَّيْلُ مِنْ ثَوْبِ الْغَلَسِ، تَعَرَّ یا تَعَرَّ، تَعَرِّ کا معنی ہوتا ہے لباس، خالی ہونا معنی ہوتا ہے لباس اتارنا، ہلکا پھلکا ہونا، جس کو بولتے ہیں نا ننگے کو جس کے بدن پر لباس نہ ہو، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ آری بولتے ہیں، اسی سے بنا حرف اصلی عین رن را یا سے. تو وہ تعر اللیل، اور رات جو ہے وہ رات نے کپڑے اتار دیا، رات برہنہ ہو گئی، من صوب الغلس، غلس مانا تاریکی، تاریکی کے کپڑے سے، یعنی رات نے تاریکی کے کپڑے کو کیا کر دیا؟ اتار دیا. تو تاریکی ختم ہو گئی. تعر اللیل من صوب الغلس. تو یہاں پر جو ہے تشبیہ کیا ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کو دھیان سے دیکھ لیجیے گا یہاں پہ کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. آئیے دوسرے تمرین، التمرین الثانی، اجعل کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین مفصلا ثم مؤکدا ثم بلیغا. غلس کا معنی کیا؟ غلس کا معنی نہیں معلوم، میں نے بتایا نا ابھی آپ کو تاریکی فجر کے بیان میں قدوری میں پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے اوقات نماز میں، کہ غلس میں فجر کی نماز پڑھنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے، اسفار میں مستحب ہے، امام شافعی کے نزدیک غلس میں ہے. نہیں پڑھے ہیں، درجہ خامسہ میں پہنچ گئے ہیں، اور کوئی حضرت بنے پھر رہے ہوں گے، کوئی مولانا صاحب بنے پھر رہے ہوں گے، کوئی تو پیر صاحب کی طرح بیہیو کر رہے ہوں گے. غلس کا معنی نہیں معلوم، بتائیے. کئی جگہ پڑھے ہوں گے آپ نے، اس میں پڑھے ہوں گے، کیا نام ہے، نور العزا پڑھے ہیں نا، اس میں پڑھے ہوں گے غلس، دیکھ لیجئے اور قاتل صلات کے نماز بیان میں. خیر، ہوتا ہے کبھی بھول جاتا بندہ. اس کے بعد کہتے ہیں اجعل کل تشبیہ من التشبیہین الآتیین مفصلا ثم مؤکدا ثم بلیغا. نیچے جو ہے نا، وکأن ایماد السیوف بوارق وعجاج خیلہم صحاب مظلم. یہ مثال کو جو ہے نا کیا بنانا ہے، تشبیہ مفصل، پھر مؤکد، پھر بلیغ. مفصل بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وجشب اور حرف ادات تشبیہ دونوں مذکور کرنا پڑتا ہے. اچھا، دونوں ضروری ہے کہ دونوں مذکور ہو؟ بس وجشب اور مؤکد بنانے کے لیے، موقت بنانے کے لیے ادات تشبیہ حذف کرنا پڑے گا، اور بلیغ بنانے کے لیے، بلیغ بنانے کے لیے دونوں. اچھا، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. وکأن ایماد السیوف بوارق وعجاج خیلہم صحاب مظلم. ایماز کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ لہرانا، اور جو تلوار کاٹنے کے لیے اوپر نیچے اٹھتی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ لہراتے جب تلوار، یہ پیچھے سر پیٹ کے پیچھے لے کے پھر سامنے لاتے ہیں، پھر پیچھے لے کے جاتے ہیں، پھر سامنے لے کے آتے ہیں، یہ لہراؤ کو جو ہے نا اوپر اٹھنے اور نیچے جانے کو کہا جاتا ہے ایماز. اور بوارق البرق کی جمع ہے، اور برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں. تو مانا ہوگا تلواروں کا لہرانا گویا کہ کیا ہے، بولیے، بجلیاں ہیں. وعجاج خیلہم صحاب مظلم. عجاج خیلہم، ان کے گھوڑوں کے دوڑ سے اٹھنے والے گرد و غبار کس کی طرح ہیں؟ کالے بادل. ہاں، جیسے کالے بادل میں بجلیاں تڑکتی ہے تو کیسے بالکل واضح نظر آتی کہ نہیں آتی ہے، تو ایسے ہی جب لاکھوں گھڑ سوار ایک میدان میں موجود ہوتے ہیں اور اسپیڈ میں گھوڑے دوڑا کے دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو جو ہے نا دھول کا ایک بہت گرد و غبار جو ہے اس میں نظر آتا ہے، اور پھر جب اس میں چمکتی ہوئی تلواریں لہراتی ہے نا دشمنوں کو کاٹنے کے لیے، تو وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے کالے کالے بادل میں کیا چمک رہے ہوں، مائک میوٹ ہے سب، آپ کا آواز نہیں آ رہی. جب دشمن جو ہے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے لاکھ ڈیڑھ لاکھ گھوڑے یا 10-15 ہزار گھوڑے ایک ساتھ دوڑتے ہیں نا میدان میں، تو اس سے دھول کا ایک گرد و غبار بنتا ہے جو بادل کے مثل ہو جاتا ہے،
समझ रहे बात को? जैसे आप अभी समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, धूल भरे रास्ते पर चार ट्रक अगर एक साथ दौड़े तो पीछे कैसा दिखता है? बोलिए। अरे आवाज आ रही है क्या किसी को? तो कह रहे हैं कि कअन्ना इमादस सुयूफी बवारिकु, तलवारों का लहराना जो है बिजलियों की तरह है, तलवारों की चमक दमक बिजलियों की चमक दमक की तरह है, बिजलियों की तरह है। वाजाज खैलहिम सहाब मुजलिमु, और उसके घोड़ों से उठते हुए गर्दो गुबार तारिक बादल की तरह है। इसको क्या करना है? पहले मुफस्सल बनाना है, फिर मुअक्कद, फिर बलीग बनाना है। तो मुफस्सल बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? बोलिए। जी हाँ जी हाँ, कअन्ना इमादस सुयूफी बवारिकु, तलवारों का लहराना जो है बिजली है। तो किस बात में बिजली है? चमकने में। हाँ चलें फिल्लमात ले लें, चमकने में। और घोड़ों से उठने वाले धूल जो है काले पन में किसकी तरह है? तारिक बादलों की, तारिक बादल की तरह। तो फिर सवाद ले लें, यहाँ पे फिर सवाद ले लें। ये हो गया वजह शिब। तो ये हो गया मुफस्सल। और मुअक्कद बनाना है तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको? हरफे तस्बी को हजब कर दीजिए, कअन्ना को वहाँ से हटा दीजिए, तो होगा इमादु सुयूफी बवारी को। ठीक है जी। इमादु सुयूफी बवारी को फिल हमने क्या लिए थे? फिल लमात है ना, फिल लमई। आजाज खैलहिम फिस सिवादी सहाब मुजलिमु, और इसी को बलीग बनाना है तो वो वजह शिब को भी क्या कर दीजिए? हज़ब कर दीजिए। ये है, ये बलीग तो मौजूद ही है ना, बलीग बनाने की ज़रूरत है क्या? अच्छा हाँ, कान हटाना पड़ेगा जी। ठीक है, उसके बाद अत्तमरीनु सालिस, इजअल कुल्ल तशबीह मिन अत्तशबीहैन अलआतियैन मुरसलम मुफस्सला थुम्म मुरसलम मुजमला। कहते ये जो नीचे आने वाली दो तशबीह है इसको पहले आप क्या बनाइए? इजाल बनाइए, कुल्ला तशबीह मिन तशबीहैन अलआतियैन, आने वाले दो तशबीहों में से हर तशबीह को मुरसलम मुफस्सला पहले क्या बनाइए? मुरसल मुफस्सल बनाइए, सुम्मा मुरसलम मुजमला, फिर क्या बनाइए? मुरसल मुजमल। यानी पहले वजेशिव डालिए, फिर वजेशिव क्या कर दीजिए वहाँ से हटा दीजिए। तो अना नार उन फी मुर्तका नजरिल हासिदी मा उन हारिन माल इख्वानी। अना यानी मैं, नार का माना आग हूँ, इसको मुरसल बना दीजिए। मुरसल में वजह शिब क्या होता है? अदात तस्बी क्या होता है? मस्कूर होता है ना, अनाकन नारी हो गया बात। अना मिसलुन नारी, अनाकन नारी, या कन्नी नारुन, इस तरह जो भी आप बोल सकते हैं। अना मिसलुन नारी या अनाकन नारी या कन्नी नारुन, अनाकन नारी, ये हो गया मुरसल। अब क्या मुफस्सल है ना, तो मैं आग की तरह हूँ। फी मुर्तका नजरिल हासिदी, हासिद की नज़र के दायरे में। मुर्तका कहते हैं निगाह, जहाँ जिस दायरे तक जाती है ना आपकी निगाहों की रोशनी, उसको कहा जाता है मुर्तका। तो इतना लंबा तर्जमा ना करके उर्दू अतबार से इतना तर्जमा काफ़ी है कि मैं हासिद की निगाह में, मैं हासिद के नज़र के मुर्तका यानी नज़र का जो फैलाव, उस फैलाव में किसकी तरह हूँ? बोलिए। आग की तरह यानी जो मुझसे हसद करता है मैं उसके लिए आग हूँ। जैसे आग में बंदा क्या हो जाता है? जल जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो फिल एहलाक, हलाकत, हलाक करने में मैं किसकी तरह हूँ हासिद की नज़र में?
तो वजह शिब यहाँ मुफसल बनाना है, तो वजह शिब हमने क्या बना दिया यहाँ पे, जी हाँ। अच्छा उसके बाद माउन जारिन, यानी मैं बहता हुआ पानी हूँ, बहते हुए पानी की तरह हूँ, तो अना कल माइल जारी अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मुरसल। मुरसल। और माल इख्वानी, दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ मैं बहते हुए पानी की तरह हूँ, तो बहता हुआ पानी क्या रहता है, साफ़ रहता है कि गदला रहता है, साफ रहता है, और बहता हुआ पानी साफ भी रहता है और मीठा भी रहता है मतलब, तो आप उसको फिस सफाई बोल दीजिए। वजह से भी क्या लाए यहाँ पे, फिस सफाई। तो देखिए मुरसले मुफसल पहले बनाएंगे दोनों को, क्या अना कन नारी फी मुर्तकन नजरिल हासिदी फिल इहलाक व कल मा इल जारी माल इख्वानी फिस सफा, ये हो गया मुरसल और मुफसल, क्या हो गया ये मुरसल मुफसल। अब मुजमल बनाना है तो क्या करते चले जाना है दोनों जगह से, हाँ यानी फी वाला जो है फिल इहलाकी और आगे फिस सफाई, इसको क्या कर देना, हटा देना है जी। हो गया मसला, कुछ पूछ रहे हैं कोई? नहीं नहीं उस्ताद साहब वही बोल रहे थे जो हम लोग बोल रहे। ओके उसके बाद अत्तमरीन राबे, इजारी तशबीह हल आत या मुअक्कदन मुफस्सलन सुम्मा बलीगा व वफ़ी वस्फ़ी रजुलैन इत्तफ़क़ा अलल विशायति बैनन नास, कहते नीचे एक तशबीह की आपको मिसाल दी जा रही है, इसको बनाइए, क्या बनाइए, मुअक्कद मुफस्सल सुम्मा बलीगा, पहले बनाना है आपको मुअक्कद मुफस्सल, फिर क्या बनाना है बलीग। मुअक्कद का मतलब ये होगा कि वजह अदात तस्बीह को हम क्या कर देंगे वहां से, बोलिए, मुअक्कद का मतलब होगा अदात तस्बीह को हज़फ़ कर देंगे, और मुफस्सल का मतलब होगा कि वजह तस्बीह को अगर नहीं है तो जिक्र करेंगे, तब बनेगा मुअक्कद मुफस्सल। और बलीग का मतलब होगा कि जब हम बलीग बनाएंगे तो अदात तशबीह भी हज़फ़ करेंगे और वजह शिब को भी हज़फ़ कर देंगे, तो बन जाएगी मिसाल वो बलीग की। नीचे आगे कह रहा है कि वफ़ी वस्फ़ी रजुलैन इत्तफ़क़ा अलल विशायति बैनन्नास, ये ऐसे दो शख्स के बारे में हैं जो मुत्तफ़िक़ हैं, अलल विशायति बैनन्नास लोगों के दरमियान जो है, विशाया का मतलब होता है फूट डालना, ठीक है, इसके लिए कौन सा लफ्ज़, इसका मादा आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, मैं अलवाशी, अलवाशी का लफ्ज़ जो है शायद कहीं पढ़े ध्यान में आ रहा, अलवाशी हदीस पाक के अल्फाज हैं, किसके अल्फाज हैं, हदीस पाक का शायद एक लफ्ज़ अलवाशी जो मुझे याद आ रहा है, यानी वो अर्राशी है, अर्राशी वल मुर्तशी नहीं, वो अलग लफ्ज़ है, खैर ये वो अलग है। अलवाशी का माना होता है जिसको चुगलखोर बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं अलविशाया, चुगलखोरी को अलविशाया, जिसका काम होता है लोगों के दरमियान दरार डालना, फूट डालना। तो कहते हैं कि तुम दोनों, ये दो ऐसे शख्स के बारे में जो दोनों मुत्तफिक हैं अलल विशायत बैनन्नास लोगों के दरमियान फूट डालने पर, तो वो दोनों आदमी को क्या कहा जा रहा है सुनिए, कहते हैं कशिक़ मिक़स्सिन तजम्मअतुमा अला गैरि शैइन सिवा तफ़रीक़ा, ठीक है, जैसे ये वही है फ़ुउलुन की वजह पर है, कशिक़ मिक़स्सिन तजम्मअतुमा अला गैरि शैइन सिवा तफ़रीक़ा, जिस वजन पर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, उसी वजन पर ये भी है। तो कहते शिक़ शिक़ुन का माना क्या होता है, शिक किसको कहते हैं, एक शिक, दो शिक, पहली शिक, शिक के अव्वल, बोलिए भाई, शक्को शुबा को कहते हैं, शक्को शुबा, अरे मेरे भाई वो शीन काफ है, ये शीन कौफ है, वो शक है शीन के ऊपर जबर और शीन के नीचे जेर है, शिक कहते हैं पहलू को, किसको,
अला शिक्किहिल अयमन दाएं पहलू, शिक्किहिल युसरा बाएं पहलू, शिक्किहिल युमना दाया पहलू। तो शिक्कुन का माना पहलू, किनारा, किनारा और पहलू। शिक्के तस्निया है, काफ अरफिजर की वजह से तस्निया गरब हालत नसब अजर में या मा कबल याद है, या मा कबल अल्लाह मफ्तूह और नुने राबी इजाफत के वक्त गिर गया। मिकस्सुन जो है ये कस्सा या कुस्सु से अलकिसास से बना जिसका माना था काटना। मिकस कहेंगे काटने का आला। मिफालुन के अंदर पर मिकस्सुन, मिकस्सुन बना दिया गया उसको तालील करके। काटने का आला से मुराद यहाँ पे आप ले लीजिए कैंची। क्या कैंची के कितने पट होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शिक होते हैं कैंची के? दो होते हैं। कहते कशिक्के मिकस्सिन, तुम दोनों जो है ना, इससे पहले मुब्तदा महजूफ है अंतुमा या हुमा, तुम दोनों कैंची के दो किनारों की तरह हो। तजम्मअतुमा, जो एक साथ हो जाते हैं। कैसे दोनों किनारे कैंची के जो है वो नट के ज़रिए नट बॉल टाइट करके एक बना दिए जाते हैं। कशिक्के मिकस्सिन तजम्मअतुमा, तुम दोनों कैंची के पहलू की तरह हो जो एक साथ हो गए हो। किस बात पर इकट्ठे हो गए हो? अला गैर शैइन सिवा तफरीका, किस चीज़ पर इकट्ठे हो? किसी चीज़ पर नहीं सिवाय तफरीका के। अला गैर शैइन, गैर शै का माना क्या होगा? हाँ, किसी चीज़ पर नहीं सिवाय तफरीका के, सिवाय फूट डालने के तुम लोग किसी काम पर इकट्ठे नहीं होते हो, है ना। फूट डालना रहता तो बराबर दोनों जो है ना एक साथ हो जाते हो, चलो एक काम मिल गया आग लगाने वाला। तो इस शेर में करना क्या है, ये शेर से नसीहत तो हासिल कीजिए ही कीजिए, लेकिन असल हमें जो हल करना है वो ये है कि पहले ये शेर में काफ हरफ़ तशबी है, इसको मुअक्कद बना दीजिए। तो काफ हरफ़ तशबी को क्या करना पड़ेगा? हटा देंगे तो अंतुमा शिक्का मिकस्सिन हो जाएगी। मिसाल क्या बन जाएगी? अंतुमा शिक्का। अब शिक्का क्यों कहेंगे? अब हालत जर्म है क्या? नहीं, अंतुमा शिक्का ही नहीं। अरे शिक्का क्यों कहेंगे अब? शिक्का नहीं, हाँ शिक्का कहेंगे। अंतुमा शिक्का मिकस्सिन, तुम दोनों कैची के दो पहलू की तरह, दो किनारों की तरह हो। ये हो गया तस्बीह मुअक्कद। अब इसको मुफस्सल बनाइए, मुफस्सल क्या करना पड़ेगा? किस बात में जो है वो दोनों शख्स को कैंची के दो पहलू से तस्बीह दी जा रही है? किस बात में कैंची से तस्बीह दी जा रही है? सिल जोड़ने में कि तोड़ने में काटने में? तोड़ने में, काटने में। बस तो कैंची से तोड़ा नहीं, उर्दू जबान तोड़ना उसको नहीं कहते, काटना बोलते हैं। उसकी अरबी बना लीजिए, फिलकत हो गई बात खत्म। जैसे कैंची से एक कपड़े को काट कर दो कर दिया जाता है, उसके दो भाग कर दिए जाते हैं, ऐसे ही जो है ये दो शख्स क्या करते हैं, मिल करके दो दोस्त को काट करके अलग कर देते हैं। बराबर है? हाँ। तो तफरीका बाजी में, कता करने में, तकसीम कारी करने में, बांटने में, ये सब मान ले लीजिए। फसल पैदा करने में, फिल फसली फसल करने में, फिल कतई कता करने में, ये सब वजह से ला सकते हैं आप। फिल कतई, फिल फसली, फिल तफरीकती, जो चाहे लाइए। अब बोलिए क्या मिसाल बनेगी? अंतुमा शिक्का मिकस्सिन, वजह से बोलिए। चले इसको हल करके कल तशरीफ लाइए, फिर कल कुछ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।